एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित हिंडोली गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने ज्ञानवती को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5000 की आबादी एवं 1750 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 365 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 121 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 42 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 130 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 22 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 365 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पत्र ग्राम हिंडोली ब्लॉक खंड पमासा जिला संबल, और जो हमने कार्य कराए हैं ये स्कूल में मॉडल शौचालय है, सीसी टाइल्स है और 49 आवास बनवाए हैं जो कब पात्र लोग थे, और 165 की सूची पात्र लोगों को दे दी गई है जिनके का मकान जर्जर हैं आज भी, उनको पूरा कराने का सहयोग हमारा रहा है। और 22 ऊर्जा सोलर लाइट लगवाई हैं, और एक हमारे यहाँ एक गांव की एक निकासी तालाब है जो का जो है उसमें पानी नहीं रुकता, बारिश होती है तो वो कीचड़ सड़कों पे भर जाता है, उसके जो एक 1500 मीटर नाले की मांग रहे हैं हम जी। और 2-3 नरों की आवश्यकता है। ग्राम हिंडोली का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ एक तालाब है जिससे पानी की बहुत भारी दिक्कत है, निकासी नहीं हो पा रही, निकासी नहीं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं नाला कम से कम 1500 किलोमीटर नाला नाला निर्माण चाहता हूं, जिससे गांव में पानी की कोई मतलब समस्या ना हो।